फरीदाबाद में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की राजनीति जातिवाद पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है, और अगर कोई जातिवाद के नजरिए से व्याख्या करता है तो उसे व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को समझा नहीं, यानी उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को नहीं समझा जो जातिवाद के आधार पर राजनीति करता है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की राजनीति सदा विभाजनकारी रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो जातिवाद पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है। अगर कोई उसको जातिवाद के नज़रिए से प्रस्तुत करता है, उस तरह से व्याख्यायित करता है, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार को उस व्यक्ति ने पूरे से समझा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति सदा विभाजनकारी रही, जातिवाद पर आधारित रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की राजनीति की। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर कोई जातिवाद की बात करता है तो मैं फिर से दोहराता हूँ, उसने भारतीय जनता पार्टी के विचार को अभी पूरी तरह से समझा नहीं है, जाना नहीं है, उसके हृदय में अभी पूरा उतरा नहीं है। देखिए, राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मजे लेकर चलना वो आपका आनंद है। लेकिन सेक्रेटरी का पद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अध्यक्षों का पद जो है प्रदेश स्तर पर होता है। मैं आभारी हूँ, मुझे वेंकैया जी ने जो है अपनी टीम में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, फिर से ऐसे ही पल जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं मैं पार्टी के सेक्रेटरीज की लिस्ट में मुझे शामिल किया गया है। वो अटल जी की कविता जो है, करते हुए पथ पर लगातार बढ़ते जाना है और उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए आगे बढ़ते जाना है, तो इसलिए हमेशा हम कार्यकर्ता इस भाव से काम करते हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में एक वाक्य कहा, गिव योर बेस्ट इन एवरी टेस्ट।